की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। तो कल से महाकुंभ मेला शुरुआत होने वाली है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक महाकुंभ मेला चलेगा और इसके लिए अभी कहा गया है कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के महाकुंभ में कोई एंट्री नहीं होगी। उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा कल 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों के द्वारा एमएसपी पर शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खरीद उधम सिंह नगर जनपद में की जाती है। उधम सिंह नगर की खटीवा तहसील में एक मीटिंग का इसको लेकर आयोजन किया गया। मीटिंग में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह खटीमा, विधायक पुष्कर सिंह धामी, उप जिला अधिकारी खटीमा के साथ एडीओ सहकारिता, मंडी सचिव और गेहूं के केंद्रों के सेंटर इंचार्जों ने भाग लिया। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने व्यवस्था पूरी कर क्षेत्र किसानों के गेहूं की तोल शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। स्थानीय विधायक पुष्पर सिंह धामी ने कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। तो कल से एमएसपी पर गेहूं केंद्र में खरीदारी की जाएगी, इससे किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी को लेकर आज मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। वही विधायक पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कल से गेहूं क्रय केंद्रों पर एमएसपी पर खरीदारी की जाएगी और इसी को लेकर आज एक मीटिंग की भी आयोजन किया गया था। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की खरीदी में लापरवाही बढ़ती जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये जो एमएसपी पर खरीदारी की बात हो रही है, क्या है पूरा आदेश? आज खटीमा तहसील में एक बैठक की गई अधिकारियों के साथ, जिसको लेके यहाँ जो क्षेत्र के विधायक और किसान आयोग के उपाध्यक्ष दोनों मौजूद रहे और तहसीलदार एसडीएम भी मौजूद रहे, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एमएसपी पे ही खरीदारी की जाए। और दूसरा, जो छोटे किसानों का जो है काश्त कार्रवाई गल्ला में भी तोड़ा जाए, जिनके लिए उनके लिए अलग से एक काटा लगाने के आदेश दिए गए। इस फैसले के बाद से किसानों को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है। उम्मीद तो लग रही है, और बाकी जो है काटा सेंटर लगने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये आदेश कितना खड़ा उतरते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।